समाजवादी परिवार में मचे सियासी घमासान के बीच चुनाव से पहले ही साइकिल लेकर दिल्ली पहुंच गए अखिलेश यादव को उनके पिता मुलायम सिंह का भी साथ मिला। चाचा और भतीजा की सियासी लड़ाई के बीच बेटे अखिलेश का साथ देने मुलायम सिंह यादव भी 23 सितंबर को दिल्ली पहुंच गए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि वो बेटे अखिलेश के साथ हैं, भाई शिवपाल यादव के नहीं। दूसरी तरफ ऐतिहासिक रामलीला मैदान में लगे सामाजिक न्याय यात्रा के समाजवादी मंच पर जब पुराने समाजवादी मुलायम सिंह पहुंचे तो अक्सर अखिलेश को पिता और वरिष्ठ नेता के तौर पर फटकार लगाने वाले मुलायम एक बार फिर भड़क गए। रैली में जुटी भीड़ में जब महिलाओं की संख्या कम नजर आई तो इशारों इशारों में मंच से ही अखिलेश यादव को फटकार लगा दी। एक गलती आपने बहुत बड़ी कर दी, लड़कियां थोड़ी आई थी, एक को भी आगे नहीं आने दिया, ये गलत है कि नहीं? ये गलतियां करते बहुत बड़ी, लड़कियां थोड़ी आई थी, उन्हें एक को आगे नहीं आने दिया, ये गलत है कि नहीं? एक तो लड़की है, वो रवि दूसरा लड़की थी, वो नहीं आने दिया, ये शिष्टाचार नहीं। महिलाओं को विशेष अवसर दिया या ये समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है? समाजवादी पार्टी का मंच संभालते ही सपा को शिष्टाचार की याद दिलाने वाले मुलायम सिंह ने बीच भाषण में अखिलेश को कहा कि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाइए। हमारी पार्टी जवान रहेगी, इन जवानों के हाथ में होंगी, इन बेटियों के हाथ में होंगी। बेटी अकेली मत आया कर, 10 लड़कियों को लेके आया कर, लाएगी आगे चल के, लड़की दे अकेली बताया कर, 10 लड़कियों को लेकर आया करो कम, ये तय कर लो दोनों मिलकर कि हम जब भी आएंगे तो कम से कम 10 लड़कियों को लेकर आएंगे, तो हमारी पार्टी मजबूत चलेगी। हम अपने कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि आज लड़कियों की तादाद बहुत कम है, अब दो चार आई उन्हें धक्का मुक्की कर रहे, बीच में खड़ा किया, बताओ वो भी बीच में खड़ी और वो भी बीच में खड़ी, आगे आना चाहिए, आगे लाना चाहिए, लेकिन बता दीजिए तो लड़कियों को पीछे खड़ा करोगे? धक्का मुक्की जहाँ होती वहाँ लड़कियाँ रहेंगी। इसलिए आज हम आपसे कहना चाहते नौजवानों, बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, ये बड़ी तादाद में सारे लोगों ने तय किया कि सरकार बनाएंगे तो सरकार बन जाएंगे। आज हमको वादा करके जाओ, चाहे कुछ भी करना पड़े कि सरकार बनाएंगे, यूपी में तो बनाएंगे, यूपी के बाद को लोकसभा के मेंबर ज़्यादा जिताएंगे, जिससे हम हमारी पार्टी का हिस्सा हो जाए सरकार में, दिल्ली में भी, पहले दिल्ली में हिस्सा हुआ था, उसी तरह से आप लोगों से एक ही बात कह रहा हूँ कि चुनाव जिताना है, MLA का भी जिताना है, लोकसभा के मेंबर को भी जिताना है, ये संकल्प और प्रतिज्ञा करके जाना और महिलाओं को ज़्यादा खड़ा करना, महिलाओं को भी खड़ा करना, बताओ हाथ तो उठा के बताओ अपने जिले में एक एक दो दो लड़की को पार्टी के पदाधिकारी बनाइए, चुनाव भी लड़ाइए और MLC बनवा लीजिए, MLA बना लीजिए। मैं कहूँगा इन नेताओं से, अखिलेश ने सब सभी अध्यक्षों को और नेताओं को बुला के बात कीजिए, चाहे कुछ भी हो, हर कमेटी में महिला हो, हर ब्लॉक में महिला है, BDC की मेंबर हो, सब जगह जिला परिषद की मेंबर हो, तब ये जब लड़कियाँ आगे निकलेंगी तब पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत बनेगी, महिलाओं की तादाद। पिता मुलायम के फटकार पर अखिलेश यादव ने मुलायम के हर सुझाव पर अमल करने का वादा किया तो वही मजेदार अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि नेताजी हम पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, हमने अपनी पत्नी को लोकसभा भेज दिया, हमारी तो आधी आबादी वैसे भी वहां है। नेताजी ने जो सुझाव दिया है, नेताजी ने जो आज कहा है कि बिना आधी आबादी के लोकतंत्र अधूरा है, मैं नेताजी को भरोसा दिलाता हूं कि जो बात आपने कही है हम समाजवादी लोग 100% उसको लोकतंत्र के रास्ते से उसको निभाने का काम करेंगे।
और फिर सेठा जी हम पे तो आरोप नहीं लगा सकते हो, हमने तो अपनी पत्नी को लोकसभा में भेज दिया, हमारी तो वैसे ही आधी आबादी वहां पर है। लेकिन हम समाजवादी लोग भरोसा दिलाते हैं कि जो मूल्य, जो सिद्धांत लोहिया जी ने रास्ता दिखाया, जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने रास्ता दिखाया, उस रास्ते पे हम समाजवादी लोग चल करके इस देश को नई तरीके से बनाने का काम करेंगे। पार्टी में महिलाओं की भागीदारी कम होने पर सवाल उठा रहे मुलायम सिंह यादव को अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव का नाम लेकर जवाब दिया, जो फिलहाल कन्नौज सीट से सांसद है। आपको बता दें 27 जून को गाजीपुर से शुरू हुई सामाजिक न्याय व लोकतंत्र बचाओ साइकिल रैली 23 सितंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में पहुंचकर समाप्त हुई, जहां मुलायम, रामगोपाल और अखिलेश यादव समेत तमाम समाजवादी दिग्गज नेता जुटे। मुलायम ने इसी मैदान पर लोगों से 2019 के चुनाव में सपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें दिलाने की अपील की, तो वहीं अखिलेश ने केंद्र सरकार को नोटबंदी और नौकरी जैसे मुद्दों पर घेरा।